हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इवन कुमार मैथ्स लवर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। फंक्शंस के कई टाइप को हमने पहले ही पढ़ा है। आज का जो हमारा फंक्शन है वह है ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। हम जानेंगे कि कब कोई फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा और कब वो इवन फंक्शन कहलाएगा और इसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। सो आइए सबसे पहले हम ऑड फंक्शन को देखते हैं। ऑड फंक्शन, ठीक है ना, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कहता है इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज एनी फंक्शन, इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज एनी फंक्शन एंड f ऑफ माइनस x इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x, ये दे दिया। f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू माइनस f ऑफ x, ये लेकर के दे दिया, है ना। तब कहता है देन f इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि किसी फंक्शन में जाकर के हम x के जगह पे माइनस x रख दें, x के जगह पर क्या रख दें, माइनस x, और आफ्टर सॉल्विंग माइनस पूरे फंक्शन के आउटसाइड आ जाए, माइनस जो है वह पूरे फंक्शंस के आउटसाइड आ जाए, तब उसको हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, या यूं कहिए कि इसको हम इधर ला के दे दें, दैट इज फॉर ऑड फंक्शन। इसको अगर इधर ला दें तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स अब प्लस ये f ऑफ x इक्वल टू जीरो। इसलिए f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू जीरो। सो अगर किसी फंक्शन में, है ना, प्लस कर दें नेगेटिव x लगा करके उसी फंक्शन को और सॉल्व करने पे जीरो आ जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, ऑड फंक्शन। ये भी एक पहचानने का तरीका हो गया। एक तो ये तो बेसिक हो गया और इसी से ये जो है जनरेट हो गया है। तो अब यहां थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसके एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये एक्स क्यू है ना। तो यह फंक्शन आपको क्या है, इज एन ऑड फंक्शन है। यह कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। कैसे, सो देखिए, सिंस अगर हम एफ माइनस एक्स निकालते हैं तो हम यहां माइनस एक्स का होल क्यूब लिखेंगे, ये सॉल्व होके माइनस एक्स क्यूब आएगा, माइनस तो ऐसे ही रहा और एक्स क्यूब क्या है, सो देखिए एफ ऑफ एक्स है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर माइनस लगा था वो माइनस आउटसाइड आ चुका है, जो माइनस इनसाइड में था वह माइनस आउटसाइड आ चुका है, और अब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पर ध्यान दें, जैसे f ऑफ x ले लें हम और यहां साइन x ले लें, साइन x, यह फंक्शन भी आपको क्या है, इज एन ऑड फंक्शन है। ये फंक्शन भी आपको कैसा है, ऑड फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन भी आपको ऑड फंक्शन है। और कैसे ये ऑड फंक्शन है, ये थोड़ा ठीक से देखिए। यहां सिंस सेकेंड एग्जाम्पल है, सिंस f ऑफ माइनस एक्स अगर निकाल दें, ये लिखाएगा साइन माइनस एक्स और ये सॉल्व होके आ जाएगा माइनस साइन एक्स। साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है। सो अगर ठीक से देखिए तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस तो रह गया लेकिन साइन एक्स, टोटल साइन ऑफ एक्स के बदले क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ऐसे लिख दिए। तो देखिए यहां अंदर में जो माइनस है वह माइनस आउटसाइड आ चुका है, जो अंदर में माइनस है
वह आपको आउटसाइड आ चुका है और इसलिए अब यह फंक्शन आपको कैसा हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। सो जिसमें भी x के जगह माइनस x रख दें और आफ्टर सॉल्विंग अगर माइनस आउटसाइड आ जाए, आफ्टर सॉल्विंग अगर माइनस कहां आ जाए, आउटसाइड आ जाए, तब ऐसी स्थिति में वह फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। सो आप बड़ी आसानी से ऑड फंक्शन को पहचान सकते हैं, जितने भी फंक्शंस हैं उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं ये ऑड फंक्शन है या नहीं है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट डिफिनेशन है इवन फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारे लिए इवन फंक्शन, तो आइए हम इसको भी डिफाइन करें इवन फंक्शन को। पहले हम इसके डिफिनेशन को डिफाइन कर लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ और फिर हम इसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में आपको हम डिस्कस करेंगे और ठीक से समझ में आपको आएगा कि कैसे हम ऑड और इवन को पहचान पाए और उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, ठीक ना। सो आइए हम लोग देखें इवन फंक्शन को। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन, अब देखना है कि ये इवन फंक्शन क्या होता है, ये देखना है कि इवन फंक्शन क्या होता है। इवन फंक्शन तो डिफिनेशन है इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज एनी फंक्शन, इज एनी फंक्शन, एफ एन ऐसे लिखते हैं इसका मतलब फंक्शन हो गया। इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज एनी फंक्शन एंड f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x, कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम x के जगह पे माइनस एक्स रख दें तो आफ्टर रिप्लेसिंग x बाय माइनस एक्स कोई इफेक्ट नहीं होगा, फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, फंक्शन जैसे पहले था वैसा ही न्यू फंक्शन होगा, सेम सेम रिजल्ट अगर हम पाएंगे तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, लिखेंगे देन f is an इवन फंक्शन, एफ इज एन इवन फंक्शन। इस केस में फंक्शन कैसा रह जाएगा, इवन फंक्शन रह जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यहां पर अगर हम f ऑफ x इक्वल टू यहां x स्क्वायर ले लें, है ना, x स्क्वायर, तो देखिए ये फंक्शन कैसा होगा, इज एन इवन फंक्शन होगा, ये फंक्शन कैसा होगा, इवन फंक्शन। कैसे, तो सबसे पहले हम यहां f माइनस एक्स, f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, इट मीन्स जहां पर x है वहां हम माइनस एक्स रख रहे हैं, तो जब माइनस एक्स हम रख रहे हैं तो ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और ये f ऑफ x हो गया। तो देखिए सेम सेम आ गया, x के जगह माइनस एक्स रखने से कोई इफेक्ट नहीं हुआ, रिजल्ट फिर से वही फंक्शन आ गया, तो हम कहेंगे इसलिए f ऑफ x इज, है ना, एन इवन फंक्शन। यहां पर यह कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन। ये आपको फर्स्ट एग्जांपल था, आप सेकेंड एग्जांपल देखिए। सेकेंड क्या है, कहता है g ऑफ x इक्वल टू अगर हम cos x ले लेते हैं, cos x, तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा, यह भी आपको एक इवन फंक्शन हो जाएगा, इज एन इवन फंक्शन। कैसे, तो सिंस g ऑफ माइनस x निकालिए, इट मीन्स जहां पर x है वहां जाके अब माइनस x रख दीजिए, लेकिन cos माइनस थीटा, cos माइनस थीटा का आप लोग जानते हैं कि cos थीटा ही होता है, सो ये cos x ही रह गया और ये g ऑफ x ही रह गया। सो देखिए इस फंक्शन में x जगह माइनस x रखने पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, फिर से वही फंक्शन आ गया। सो अब हम इसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है, यह भी फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। सो आपके लिए याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके कैलकुलेशन में आउटसाइड माइनस आ जाएगा वो ऑड होगा, माइनस ही ऑड का पहचान होगा, और अगर माइनस नहीं आकर के पॉजिटिव आ जाए तो आप समझना कि वो क्या है, आपको इवन फंक्शन है, है ना। तो इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो बड़ी आसानी से। अब हम थोड़ा जहां जहां हम ऑड बोलेंगे तो आपको समझना होगा कि वहां माइनस छुपा हुआ है, और जहां जहां हम इवन बोलेंगे वहां आपको प्लस समझना है, तो इससे क्या होगा कि आप बड़ी आसानी से इसके प्रॉपर्टीज को भी समझ पाएंगे।
सो देखिए अब कैसे हम इसके प्रॉपर्टीज को जानते हैं, समझते हैं, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। आइए अब तो हम लोग इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन को समझ लिए हैं, तो अब इसके प्रॉपर्टीज पर हम लोग आते हैं। इसके प्रॉपर्टीज पर क्या है सो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन, है ना, इवन फंक्शन क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है एक नंबर कि इफ y इक्वल टू f ऑफ x इज एनी फंक्शन, कोई फंक्शन है, आपको ये ऑलरेडी दे दिया कि y इक्वल टू f ऑफ x जो है वह एक फंक्शन है, देन कहता है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, जैसे मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक उसी तरह से फंक्शन में ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन वाला होता है। सो आइए यहां ध्यान दीजिए, वहां जो एसक्यू सिमेट्रिक वो यहां ऑड फंक्शन जैसा, जो वहां सिमेट्रिक वो यहां पर इवन फंक्शन जैसा। तो y इक्वल टू f ऑफ x इज एनी फंक्शन, देन f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इज एन इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा, याद करिए वहां पर भी होता था a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो यहां पर हो रहा है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x इज एन इवन फंक्शन। ठीक है, कैसे, तो देखिए इसका प्रूफ हम मान लेते हैं, लेट g ऑफ x इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x मान लिए। अब हमको प्रूव करना होगा, नाउ वी हैव टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव g ऑफ माइनस x इक्वल टू g ऑफ x, g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू g ऑफ x। अगर ये बात हम प्रूफ कर देते हैं तो ये साबित हो जाएगा कि g फंक्शन जो है, g फंक्शन वह आपको इवन फंक्शन हो जाएगा, और g फंक्शन किसका नाम है, इस पूरे का, तो g फंक्शन इवन साबित हो जाएगा, तो यह भी प्रूव हो जाएगा कि ये इवन फंक्शन है। सो अब हम कैसे करेंगे यहां पर, ऐसे तो सिंस g ऑफ x इक्वल टू क्या ले लिए, f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, नाउ जहां जहां, ठीक है, या ऐसे इंप्लाइज दैट लिखते हैं g, और इसमें x के जगह पे हम माइनस x रखे, तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस x रखिए, तो f माइनस x प्लस f माइनस माइनस x ऐसे लिख दीजिए। जब इसको आप आगे बढ़ाइएगा तो g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ माइनस x प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा f ऑफ x। अब अगर ठीक से ध्यान दीजिए तो आपको यहां पर ये लिखा जाएगा g ऑफ माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, कम्यूटेटिव लॉ जो होता है एडिशन का, उसी का हम यहां यूज कर रहे हैं, और तब हम लिखेंगे g ऑफ माइनस x इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है ना, इसलिए है ना, सिंस g ऑफ माइनस x इक्वल टू g ऑफ x देयरफॉर g x इज एन इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब इस प्रूफ को आप लोग देख लीजिए, बड़ी आसानी से ये साबित हो गया, है ना, g ऑफ माइनस x लेके यहां लाए, इसको इस साइड लिख दिए, इसको उस साइड लिख दिए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करा दिए, और g ऑफ माइनस x किसके बराबर हो गया, फिर से g ऑफ x के बराबर ही आ गया, सेम सेम आ गया, वहां देख लीजिए सेम सेम। अगर हम इसको एक नंबर दे दें, ये एक नंबर, और तब यहां हम लिख दें फ्रॉम वन, तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, फ्रॉम वन से हो गया, और इस तरह से ये प्रूफ हो गया कि g ऑफ x जो है वह कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। अब इसी में आपको सेकेंड प्रॉपर्टी समझना है, सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक ना,
तो सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अच्छे से बड़ी आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी भी है ना, बहुत टफ नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एनी फंक्शन देन एफ ऑफ एक्स, माइनस यहां लग जाएगा ऐसे, ठीक है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। अब जब एड करेंगे तो इवन फंक्शन देगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड फंक्शन देगा। जब हम एड करेंगे तो इवन फंक्शन देगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसा फंक्शन देगा? ऑड फंक्शन देगा। सो ये आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं ये ऑड फंक्शन है। प्रूफ अब हम फिर कर सकते हैं इसको उसी तरीके से जैसे हम फर्स्ट को प्रूफ किए। अब यहां पर हमको क्या करना होगा, प्रूफ के लिए मानना पड़ेगा हमको इस तरह से, लेट जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस, सॉरी माइनस है तो माइनस लिखेंगे यहां, है ना, और इसको वन नंबर दे देंगे। इंप्लाइज दैट जी, इसमें एक्स जगह माइनस एक्स रिप्लेस करिए, यहां भी माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। इसको हम वैसे ही रहने दिए। अब इसमें माइनस थोड़ा हम इसको पहले लिख देते हैं, माइनस एफ ऑफ एक्स, इसका साइन प्लस है तो प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए जी ऑफ माइनस एक्स ऐसे ही है, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये एफ ऑफ एक्स, ये माइनस हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स। अब आगे थोड़ा बढ़िए, यहां जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ये वाला, और इस पूरे का नाम देखिए यहां क्या है, इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसका नाम क्या है, जी एक्स। फ्रॉम वन से हम ये लिख दिए, फ्रॉम वन से। अब आप देख रहे हैं जी ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी ऑफ एक्स है, तो इसलिए जी एक्स इज ऑड फंक्शन, है ना, और जी ऑफ एक्स किसका नाम है, तो क्लियर है, देख रहे हैं वो ऑड फंक्शन साबित हो गया। तो इस तरह से ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके मदद से और भी बहुत सारी बातों को लिखा जा सकता है। अब देखिए कैसे, समझिए इधर, ये आपको सेकेंड प्रॉपर्टी था, है ना। अब आपका तीसरा नंबर प्रॉपर्टी है, तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, थर्ड नंबर कहता है इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, एंड k इज एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो, जीरो छोड़ करके कोई नंबर है, एनी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, देन k इंटू एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन, ठीक है। सो कहता है कि किसी भी इवन फंक्शन में, कोई भी इवन फंक्शन में अगर आप किसी भी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इवन है तो इवन ही रह जाएगा, और अगर ऑड रहेगा तो ऑड ही रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। चौथा नंबर है इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एन ऑड फंक्शन, देन ठीक है, k इंटू एफ ऑफ एक्स इज ऑल्स इज एन ऑड फंक्शन ऑल्सो, यह भी आपको क्या होगा, ऑड फंक्शन ही रह जाएगा k से गुना करने पर, है ना। जहां ध्यान रखिएगा कि k इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक ना, ये हो गया। पांचवा नंबर है द एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन।
अगर आपको मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी याद होगा तो हम वहां पर बताए हुए हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोस्तों जो वहां पर मैट्रिक्स के साथ हो रहा है वैसा ही कुछ यहाँ फंक्शन के साथ हो रहा है। कह रहा है कि कोई भी फंक्शन एक सिमेट्रिक और एक एसक्यू सिमेट्रिक फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो देखिए उसको कैसे हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में लिख पाते हैं। फॉर एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वी कैन राइट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हाफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, और फिर यहां हाफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। याद करिए ए प्लस ए डैश ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स में था और यहां ए फंक्शन है, सो दोनों में थोड़ा सा मिलता जुलता करेक्टर है। और ये जो हमारा फंक्शन है यह इवन फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है ये हमारा ऑड फंक्शन है। सो कोई भी फंक्शन एक इवन फंक्शन और एक ऑड फंक्शन के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है। सो अब हमारा अगला पांचवा के बाद अगला हमारा जो प्रॉपर्टी आने जा रहा है वह है छठा नंबर प्रॉपर्टी। और सिक्स नंबर प्रॉपर्टी देखिए इसके ज्योमेट्रिकल कैरेक्टर को दिखाता है, ज्योमेट्रिकल कैरेक्टर पिक्टोरियल कैरेक्टर को दिखाता है। क्या दिखाता है, तो कहता है द ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक का अर्थ होता है सममित, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन लिखिए, और सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट, सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा ऑड फंक्शन का जब ग्राफ खींचा जाएगा तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वो सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा पिक्चर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा ही पिक्चर उसका थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, जैसा पिक्चर सेकेंड क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा ही पिक्चर फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। सो कोई भी अगर ऑड फंक्शन है, कोई भी ऑड फंक्शन है तो उसका ग्राफ जो है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन और सिमेट्रिक इन अपोजिट क्वाड्रेंट होगा। सो जैसा पिक्चर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा वैसा ही पिक्चर थर्ड में बनेगा, देखिए ये फर्स्ट में ये थर्ड में, और ये इसका ग्राफ है y इक्वल टू एक्स क्यू, कहने का मतलब f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू। सो ये ऑड फंक्शन है, आप देख रहे हैं ऑड फंक्शन है, और ये ऑड फंक्शन का ग्राफ देखिए कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है। सो जैसा पिक्चर फर्स्ट में वैसा थर्ड में बनेगा, जैसा सेकेंड में बनेगा वैसा फोर्थ में होगा, अगर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका ग्राफ ऑड फंक्शन का जिसमें जाएगा तो इधर आएगा, है ना, इस तरह का होना है। तो ये सिक्स नंबर प्रॉपर्टी आया। और सेवन नंबर प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है द इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। y एक्सिस के सिमेट्रिक कहने का मतलब क्या हुआ कि y के लेफ्ट साइड, ये y एक्सिस है ना, ये आपका कौन एक्सिस है, y एक्सिस, और ये आपका x एक्सिस है, तो y एक्सिस के लेफ्ट साइड जैसा पिक्चर बनेगा वैसा ही आपको राइट साइड बनेगा, यही इसका कहना है। इवन फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा और ऑड फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होगा, याद रखिएगा ये बात।
ठीक है ना। अब अगर हम देखिए कोई अलग हम पिक्चर ले लें, इवन फंक्शन का अगर हम कोई ग्राफ ले लें या कोई हम फंक्शन पहले ले लेते हैं और उसका जब ग्राफ खींचेंगे तो वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, इट मींस वाई के लेफ्ट साइड जैसा पिक्चर बनेगा वैसा ही वाई एक्सिस के राइट साइड पिक्चर बनेगा, ये आपको समझना है यहां पर। सो देखिए कैसे है ना, अगर हम यहां पर ले लें इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसको आप f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लिए, तो देखिए ये कैसा फंक्शन है, इज एन इवन फंक्शन है, यह कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। अगर इसका ग्राफ खींचा जाए एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो देखिए ये ऐसे करके आएगा, इस तरह से जाएगा, जैसा इस साइड वैसा ही इस साइड एकदम बराबर रहेगा। हमारा पिक्चर थोड़ा सा हैंड से खींचने की वजह से थोड़ा सा ये अलग अलग रीजन कवर कर रहा है, लेकिन ये एग्जैक्ट आपको y के लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ आपको सेम सेम ग्राफ जाएगा। सो ये y इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर देख रहे हैं आप कि किसके y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना, वाई के बाएं जैसा वैसा ही वाई के दाएं साइड। सो आप ये प्रॉपर्टी 7 नंबर समझ चुके हैं, अब आप आइए 8 नंबर प्रॉपर्टी पे, 8वां नंबर प्रॉपर्टी पे, ठीक है। 8 नंबर क्या है, थोड़ा इसको आसानी से समझिएगा कि ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, तो इस यह कितना आएगा आप खुद सोच के देखो कि ऑड मीन्स होता है माइनस, ये भी ऑड माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और प्लस इवन का पहचान है, सो ये आपको आ जाएगा इवन फंक्शन, ये क्या हो जाएगा इवन फंक्शन। इसी प्रॉपर्टी 8वां में ही हम अगर आपको ऐसा ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन लिख दें, इवन फंक्शन, तो सोचिए ऑड मीन्स क्या हुआ माइनस, इवन मीन्स क्या हुआ प्लस, तो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा माइनस आएगा, तो माइनस जब आएगा तो माइनस का मतलब होता है ऑड फंक्शन, अगर माइनस आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया ऑड फंक्शन। और फिर आगे देखिए इस तरह से इवन फंक्शन, इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन, इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन, तो ये भी देखिए इवन मीन्स क्या हो गया, इवन फंक्शन मीन्स प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, सो इवन फंक्शन ही आएगा, दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट आपको इवन फंक्शन ही होना है। ये आपको 8वां नंबर प्रॉपर्टी में 3 मैटर आपको हम यहां लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब आपको 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है सो समझिए, 9 नंबर में कहता है कि कोई भी ऑड फंक्शन अगर आपको दिया, ऑड फंक्शन कोई भी ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन के ऊपर में पावर अगर आप दे दिए क्या ऑड इंटीजर, ऑड इंटीजर, देखिए ऊपर फंक्शन नहीं लिखे हैं, नीचे फंक्शन है ऊपर नंबर है इंटीजर पूर्णांक विषम पूर्णांक, सो विषम ये तो फंक्शन है, ये क्या है विषम फंक्शन है, माइनस में है ये, तो ये माइनस है, अब माइनस पर अगर कोई विषम संख्या ले लीजिए, विषम पूर्णांक ले लीजिए, तो सॉल्व होके तो माइनस ही आएगा ना, पावर ऑड लेने पे क्या आएगा माइनस, इसका मतलब ये हमको कौन फंक्शन देगा ऑड फंक्शन देगा, ध्यान रखिएगा अंदर फंक्शन है ऊपर इंटीजर है नंबर है, ठीक है ना। और यही अगर ऑड फंक्शन पे, ऑड फंक्शन पे इवन इंटीजर होता, सम पूर्णांक होता, सम पूर्णांक, तो अब आप ही सोच के देखो कि माइनस पे पावर अगर आप 4 ले लो, 6 ले लो, 2 ले लो, तो सॉल्व होके पॉजिटिव देगा और पॉजिटिव किसका पहचान है इवन फंक्शन का पहचान है, तो ये इवन फंक्शन दे देगा। अब उसके बाद 10 नंबर में अगर हम आ जाए तो 10 नंबर में भी हम इसी तरह से लिखेंगे इवन फंक्शन, और इवन फंक्शन पे, इवन फंक्शन पे अगर हम पावर कुछ भी ले, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव पर ऑड ले लीजिए चाहे कोई भी ले लीजिए, इंटीजर लेना है बस, इंटीजर अगर हम कुछ भी ले लिए तो आफ्टर सॉल्विंग ये कैसा फंक्शन देगा इवन फंक्शन देगा, कैसा फंक्शन देगा
इवन फंक्शन। और 11 नंबर है, समझिएगा, यहां कहता है द कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन पहले पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, वो आपको क्या होगा, इज एन इवन फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। 12 नंबर रूल कहता है कि द नल फंक्शन या जीरो फंक्शन, सीधे कहिए, नल ठीक नहीं रहेगा, जीरो फंक्शन, द जीरो फंक्शन इज बोथ। जीरो फंक्शन दोनों चीज होगा, क्या क्या, तो ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। एक यही ऐसा फंक्शन है, ठीक है, एक जीरो फंक्शन ही एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड भी होता है और इवन भी होता है। केवल जीरो फंक्शन ही ऐसा होता है जो ऑड फंक्शन भी होता है और इवन फंक्शन भी होता है, बाकी कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो ऑड भी हो और इवन भी हो। उसके बाद आपको 13 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, 13 नंबर प्रॉपर्टी पे, ठीक ना। सो कोई भी 13 नंबर कहता है कि अगर आपको कहीं भी मॉडुलस के अंदर ऑड फंक्शन दे दिया तो सॉल्व होके ये आपको इवन फंक्शन बन जाएगा। सॉल्व होके क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन। सो मॉडुलस के अंदर ऑड फंक्शन दे देंगे तो सॉल्व होके इवन आ जाएगा। अब किसी के दिमाग में अगर ये बात आ जाए कि मॉडुलस के अंदर इवन फंक्शन दे दें तो बाहर ऑड फंक्शन आ जाएगा, तो बहुत बड़ा गुनाह है, ऐसा कभी भी मत सोचिएगा। इवन का मॉडुलस आपको इवन फंक्शन ही रहेगा, ठीक ना। अब आपको है 14 नंबर क्या है, कहता है द डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव का अर्थ होता है डिफरेंशिएशन। द डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन एंड वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं, चाहे सीधे लिखिए द डेरिवेटिव ऑफ एंड द डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। मतलब ऑड का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो इवन फंक्शन आएगा, और इवन फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। ऑड का डिफरेंशिएशन इवन और इवन का डिफरेंशिएशन ऑड आएगा। सो ये 14 रूल्स आप देख लिए। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, है ना, उस क्वेश्चन को देखना है कि ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, ठीक ना, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, ठीक ना। जैसे इफ वाई इक्वल टू, चाहे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स लेके दे दिया, इज एनी फंक्शन, इज एनी फंक्शन, देन एफ ऑफ एक्स इज, चाहे सीधे एफ इज ऐसे भी लिखते हैं तो नाम तो फंक्शन का एफ ही है, ऑप्शन दे दिया ऑड फंक्शन, दूसरा दे दिया इवन फंक्शन, तीसरा दे दिया बोथ, और चौथा दे दिया आपको नन ऑफ दीज। ये आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको चेक करके खुद से देखिएगा कि ये फंक्शन क्या होना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में टिक आउट करिएगा, चारों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा, आप लोग खुद चेक करके इसके बारे में लिखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट आपको है अगला, देखिएगा यहां पर ये दे दिए हैं, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी साइन क्यूब एक्स अपॉन डी एक्स, देन एफ इज, ऑप्शन दे दिया ऑड फंक्शन, दूसरा दे दिया इवन फंक्शन, तीसरा दे दिया बोथ, एंड चौथा दे दिया नन ऑफ दीज। सो आप लोग इसे खुद से सॉल्व करके बताइएगा कि क्या आंसर होना चाहिए, ठीक ना। और
इतने प्रॉपर्टीज सीखने के बाद अगर आपको लगता हो कि हाँ हम कुछ बेहतर सीखे हैं तो आप लोग ढेर सारा कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को अलविदा एंड जय हिंद, जय भारत।